आज हम डिस्कस करेंगे कि एक नेज़ल स्प्रे कैसे यूज़ किया जाए। नेज़ल स्प्रे एक बहुत ही कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है जो बहुत ही ENT डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं अपने पेशेंट्स को, लेकिन कई बार करेक्ट टेक्निक पेशेंट्स को नहीं पता होती। नेज़ल स्प्रे एक प्रेशराइज्ड कंटेनर होता है, इट हैज़ अ स्मॉल नोजल एट द टॉप एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ कैप। तो सबसे पहले हम कैप को हटा देंगे। सेकेंड स्टेप इज़ टू शेक द बॉटल, तो बॉटल को अच्छे से शेक करना है। थर्ड स्टेप इज़ टू चार्ज द बॉटल। सो जब भी हम नया एक कंटेनर खरीदते हैं तो उसकी जो पाइपिंग होती है वो शुरू में खाली होती है, उसको पहले फिल किया जाता है मेडिसिन से विद चार्जिंग। तो एक दो पफ्स पहले करेंगे ताकि वो फुल हो जाए पूरी पाइप, उसके बाद उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि प्रॉपर डोज डिलीवर होगी। थर्ड स्टेप इज़ जिस तरफ अपने स्प्रे करना है उसके ऑपोजिट हैंड में आप इस कंटेनर को पकड़ेंगे। सो सपोज़ मैं अपने लेफ़्ट साइड पे यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं अपने राइट हैंड में इसको पकड़ूँगा। इसके बाद आई विल पुल माई चीक, तो अपनी लेफ़्ट हैंड की उंगलियों से मैं अपने चीक को पुल करूँगा। इससे क्या होगा कि नाक के अंदर देयर इज़ अ वॉल्व, उसको बोलते हैं नेज़ल वॉल्व, वो नेज़ल वॉल्व ओपन हो जाएगा। ये पुल करने के बाद कंटेनर को हाथ में अपोजिट हैंड में पकड़ना है एंड 1 सेंटीमीटर तकरीबन नाक के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको टिल्ट करना है टुवर्ड्स द आइस, आँख के अंदर नहीं डालना, जस्ट टिल्ट इट टुवर्ड्स द आइस। बिकॉज अगर हम इस तरफ टिल्ट करेंगे तो जो दवा होगी वो नेज़ल सेप्टम, जो नाक के सेंटर में एक हड्डी होती है, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। हमें दवा डिपोजिशन करनी है लेटरल वॉल में जिस तरफ साइनसेज होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको टिल्ट करें टुवर्ड्स द आइस एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द नोज। ये करने के बाद हम इसे पफ करेंगे और एक जेंटल ब्रेथ लेंगे। ज़ोर से सांस नहीं लेना, ज़ोर से स्निफिंग नहीं करनी। ज़ोर से स्निफ करने से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन गले के अंदर आ जाएगी जहाँ पे हमें नहीं चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको दो पफ्स एडवाइस किए हैं सो एक ही बार में, जनरली हम एडवाइस नहीं करते कि दोनों पफ इकट्ठे लें, पहले एक पफ लें फिर जेंटल ब्रेथ करने के बाद फिर इसी तरीके से दूसरा पफ लें। सो सिमिलर प्रोसीजर इज़ रिपीटेड ऑन द राइट साइड। सो अपोजिट साइड पे दूसरे हाथ से चीक को पुल करेंगे, नेज़ल वॉल्व को ओपन करेंगे, नोज़ल अंदर डाल के टिल्ट करके और एक जेंटल इन्हेलेशन, जेंटल ब्रेथ अंदर लेंगे। इसके बाद अगर थोड़ी दवा गले में आ जाए तो साफ़ पानी से कुल्ला करके उसको स्पिट कर देना है।